खुशामदी जी, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो फसल का वक्त है, कूंडे हैं आज तो कूंडे वैसे मैं भरती नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, सेलिब्रेशन तो बनता है। तो आज ब्रेकफास्ट में ये देखिए, चाय उठते बराबर। कभी कभी अपने रूल जो है ब्रेक डाउन करने का भी अपना ही अलग मज़ा आता है। तो बस तैयारी करना है। गले में थोड़ा सा है ना, काइंड ऑफ इन्फेक्शन टाइप से हो रहा है। तो आज जो है वो कोई खजूर या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं ली है मैंने, सिर्फ चाय ली है। और आपको आसपास के माहौल से समझ में आ रहा होगा, कोई नहीं उठा है, परिंदे चहचहा रहे हैं, मून अभी तक दिख रहा है, रोशनी हो गई है। और ये गुड्डा की क्रॉक्स है। तो बस लगते हैं जी काम पर। तो मैं बना रही हूँ झटपट से गोश्त। सारा ही सामान जो है मैं इसके अंदर साथ ही डाल दूंगी ताकि जल्दी से बन जाए। और अभी हाल फिलहाल की अपडेट ये है कि गुड्डा जो है वो गया है समीना के यहाँ पर, तो अब वो देखते हैं कब आता है। वैसे चल तो रहा है कि संडे के दिन वो आएगा, लेकिन तो अब जो है गुड्डा आएगा संडे के दिन ही। देखिए बस अंदाज से ही बना रही हूँ मैं। टर्मरिक थोड़ी ज्यादा लगती है गोश्त में, इसलिए मैं ज्यादा डाल रही हूँ। नमक डाल के बस इसको धीमी आंच पे मैं होने दूंगी, और इसके बाद बचे हुए स्पाइसेस डालूंगी। और ये रेडी होगा, इस बीच साहब आ जाएंगे। और घर में इंतहाई बुरा लग रहा है, अभी साहब भी नहीं है और गुड्डा भी नहीं है। दरअसल गुड्डा जो है वो कूंडे बनाने के लिए सोफिया के घर गया था, क्योंकि मैं तो कूंडे नहीं बनाती हूँ लेकिन अम्मा वगैरह बनाती हैं, तो फिर ये होता है कि हम लोग चले जाते हैं। खैर मैं जो है दरुद फातिया नहीं करती, क्योंकि तो गुड्डा नहीं है, साहब भी नहीं है ना, इतना बुरा लग रहा है। साथ साथ रोटी बनाने की भी मैंने तैयारी कर ली। उफ मेरा हाथ चिपक गया, अल्लाह अल्लाह माजी नार। ये देखिए हमने इसमें प्याज डाली है और सारे होल स्पाइसेस भी डाल देंगे, हरी इलायची, बड़ी इलायची, शाही जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और स्टार एनी जरूर डालें, यानी बादियान और तेजपात। बस यही मसाले जाते हैं इसमें। वैसे दालचीनी और जावित्री और काली मिर्च पीस के डाली जाती है, तो चाहे तो बेशक पीस के डाल लें, लेकिन मैं तो सब कुछ ही डालूंगी और विसल लगाऊंगी ताकि जल्दी से कुक हो जाए और इसका टेस्ट भी जो है वो देगी, जायका बने। ये वाला भी बहुत अच्छा है। ऐसे ना हमारे पास दो वाइट है, लेकिन ये कॉम्बो पैक मिल गया, तो ये पड़ी है आई थिंक 155 की, तो ये कितने की पड़ी है हिसाब से पूछना पड़ेगा। इंक्लूडिंग टोटल कितने की? 150 की तीन है ना। अच्छा ऐसा है, तीन पैक इसके 50 के पड़े हैं, मतलब 150 की तीन है और न्यू MRP 60 है। हाँ तो इतने की है ना, वहाँ पे भी मिलती है डीमार्ट में, 68 समथिंग में मिलती है आई थिंक वहाँ, तो ये अच्छा ना तीन लेना। क्योंकि क्या हो रहा था, डीओ लगाने से है ना बर्निंग हो रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना, जिस हिस्से में इरिटेशन होता है वहाँ फिर अच्छा नहीं होता स्किन के लिए। इसके आगे में बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बड़ा डर लगता है। वो आपका फोन आया था ना, तब यही वाली रोटी थी, एक अच्छी रही रही। गुड्डा नहीं है, नहीं गुड्डा नहीं है तो सच में नहीं अच्छा लग रहा है गोश्त वोश्त खाना। ठीक है लेमन, पानी और पकाना है ये कर दे क्या, रखते नहीं यार, पहले खाया तो सही एक बाइट लग रहा है, क्या पकाना है? इसको इसमें निकाल दूं आपको? है ना? दस्तरखान नहीं बिछाया, लाल मिर्च खत्म हो गई थी, बोला था आपको आने में वक्त था, तो मैंने क्या करा, मैंने कश्मीरी डाल देती हूँ और चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। आप सरप्राइज दे रहे थे ना मुझे। अच्छा लगा ना आपको सरप्राइज,
बहुत बड़ी। क्या कह रहे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को लगा था कि अब घर जाऊंगा तो उसके आने फिर प्रोसेस में आएगा। हाँ वो शाप आपसे जो बात हुई थी उस हिसाब से सही है कि वो शाप धो दीजिए। अरे इतने संभल कर मैंने धोया ना, मुझे ना हड्डी का तो डर लगता है, ऐसे लगती है। वो तन्हा कौन है अल्लाह हू अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह, मेहरबान वो कौन है अल्लाह हू अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाह हू अल्लाह, उसकी सब निशान है हो जाएगी तो ये हटाना पड़ेगा। वाह ये देखिए, ये मेरी माँ ने जो है, मुझे ऐसा लग रहा है आलू में अपन ने तरी बहुत उतारी है ना। पागल हो गई मैं खाना देख के इतना सारा। ये तरी इसमें निकालते पलट में। हमारी ये ना पटलन है, सुबह ही सुबह, मतलब सुबह क्या दोपहर, इतनी अच्छी खीर पूरी पहुंचाई। है ना मजा आ गया हमें। देखो अल्लाह जब देता है ना तो ऐसे देता है। खाना खा लेना, आ जा ले ना। कैसे बनी माशाल्लाह आपको? बड़ी छोटी कच्ची मोटी? हाँ अच्छी, सब अच्छी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माँ के हाथ का खाना। दो सुबह खाई थी मैंने पूरी, बस मैंने भी दो पूरी खाई थी सुबह। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी पतलन, इतनी बड़ी पूरी बनाती है। पानी बताशा सभी आए हैं अब्बा के घर से, और ये लेके आए हैं राजगीरे के लड्डू, पीनट, और ये आगरा का पेठा। ये है ना, ये बेहद ही अच्छा है गर्मी के लिहाज से, लेकिन शुगर ज्यादा है, मोटा को बढ़ाता है। ये मुझे खाने की इतनी ललक लग रही थी ना, सच में बड़ा मजा आता है इसको खाने के बाद।